हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग एक थर्मोकोल का मंदिर कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। सो आप मेरे साथ बने रहिए पूरा डिटेल्स जानने के लिए। हमारे ये वीडियो में यह फर्स्ट पार्ट, देन ये है सेकंड पार्ट, और अभी ऊपर वाला पार्ट जो ये है थर्ड पार्ट, और ये फोर्थ पार्ट। तो इसी हिसाब से मैं आपको ये पूरा वीडियो कैसे मैं बनाई हूँ ये टेंपल उसको मैं डिस्क्राइब की हूँ। सो आप इसी हिसाब से देखिए, यहाँ पे ये हमारा सेकंड वाला बेस है और यहाँ पर मेरा जो मेजरमेंट है वो 48 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर है। जो मैं यहाँ पे एक बॉर्डर यूज़ कर रही हूँ उसका मेजरमेंट है 8 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर। तो मैं इसको ग्लू के हेल्प से इसको स्टिक कर रही हूँ, और ताकि ये जब तक ना सूखे तब तक वो अपने जगह पे बने रहे, इसीलिए मैं ऑल पिंस का यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि ग्लू सीखने के लिए थोड़ा सा टाइम की ज़रूरत होता है, इसलिए मैं ऑल पिन के हेल्प से इसको थोड़ा सा सिक्योर कर ले रही हूँ। देन मैं इसके जो एजेस है वो सरफेस एरिया जो है उसको मैं स्मूथ करने के लिए सैंड पेपर का यूज़ कर रही हूँ। उसको थोड़ा सा धीरे धीरे से उसको रफ कर रही हूँ ताकि उसका जो सरफेस है वो थोड़ा सा राउंड शेप में आएगा। यहाँ पे मैं अपना फोर जो पिलर्स यूज़ कर रही हूँ वो मैं पहले से बना ली हूँ, और ये कार्डबोर्ड का पिलर है एंड इसको मैं मेज़र कर रही हूँ। और इसके बाद मैं इसको पेपर कटर के हेल्प से उसको कर लूँगी वो होल्स को, ताकि वो जो पिलर है उसके अंदर आ जाए, वो अपने जगह पे ही सिक्योर बना रहे। और ये पिलर का जो मेज़रमेंट है वो है 30 सेंटीमीटर इंच। देन हम लोग ऊपर वाले जो पोर्शन में एक फ्लावर शेप का बनाई हूँ उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे 12 बाय 12 का एक स्क्वायर ली हूँ, और इसी तरह से एक लाइन ड्रॉ की हूँ और इसको पेपर से पहले कट की हूँ। देन इसी डिज़ाइन को मैं थर्मोकोल में ही कट करूँगी। यहाँ पे मैं जो पेपर से कट की थी वही डिज़ाइन को मैं थर्मोकोल में ही ले रही हूँ। इसके लिए हम लोग को चाहिए टोटल 20 पीसेस। मैं यहाँ पे जिस साइज़ का बनाई हूँ उस पर 20 पीस का मुझे ज़रूरत हुआ, और यहाँ पे एक स्क्वायर में से दो बन जाता है, तो हम लोग 10 स्क्वायर्स अगर काट लेंगे 12 बाय 12 का, देन हम लोग का 20 पीसेस बन जाएगा। देन यहाँ पे उसका मिडिल वाला पोर्शन जहाँ पे मैं वो स्टिक करने वाली हूँ उसके लिए मैं ये साइज़ का 5 जो सर्कल मैं काट रही हूँ, उसके बाद 5ों सर्कल को मैं एक साथ स्टिक कर लूँगी। यहाँ पे मेरा 5ों सर्कल कट हो चुका है, सो मैं अभी फेविकॉल की यूज़ से मैं 5ों सर्कल को स्टिक कर लूँगी। उसके बाद मेरा 5ों सर्कल जब स्टिक हो जाएगा तो मैं ये 5ों सर्कल के
सरफेस को सैंड पेपर की यूज से स्मूथ कर लूँगी ताकि जो मेरा डिज़ाइन से वो अच्छे तरह से इस पर फिट हो जाएगा। अभी मैं जो डिज़ाइन बनाई थी वो एक एक करके स्टिक करूँगी। सो इसको जैसे कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि हम लोग को ग्लू जो है वो सूखने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसीलिए मैं ऑल पिन की यूज़ से उसको स्टिक कर रही हूँ। जब वो सूख जाएगा तो मैं ऑल पिन को धीरे धीरे करके सबको निकाल दूँगी वहीं से। अगर आपको लगे कि आपके डिज़ाइन का भी अगर थोड़ा सा सरफेस स्मूथ नहीं आया है तो फिर कोई घबराने वाली बात नहीं है, वो आराम से आप सैंड पेपर की यूज़ से उसको जो है उसके सरफेस को आप स्मूथ कर सकते हैं, देन उसके बाद आप उसको स्टिक कीजिए। यहाँ पे मैं अपने नेक्स्ट पार्ट में आ चुकी हूँ और ये वाला है जो सेकंड वाला हम लोग बेस बनाए थे, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऐसे छोटे छोटे थर्मोकोल को काट के उसके बीच में हम लोग स्टिक करेंगे, और इसके नीचे वाले पोर्शन में हमारा जो पहला वाला बेस है उसको फिर उसके बाद लगाएंगे। और पहले वाले बेस का मेरा जो है उसका मेज़रमेंट है 58 cm by 70 cm। यहाँ पे मैं अपने छोटे छोटे थर्मोकोल्स का जो पार्ट्स मैं कट की थी ये वाला मैं लगा चुकी हूँ। सो मैं अभी सभी के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा फेविकॉल लगा रही हूँ। फेविकॉल लगाने के बाद उसके चारों साइड में पहले फेविकॉल लगाएंगे एंड उसके बाद जाके हमारा जो बेस हम लोग प्रिपेयर किया है, जो पहला हम लोग फर्स्ट वाला बेस है उसको हम लोग स्टिक करेंगे। यहाँ पे हम लोग ये डिज़ाइन वाला कट किए थे तो फर्स्ट दो पार्ट तो कंप्लीट हो गए, ये थर्ड वाला पार्ट है और यहाँ पे मैं वो डिज़ाइन को उसके हिसाब से स्टिक कर रही हूँ, और ये वाला है ऊपर वाला पोर्शन, थर्ड पोर्शन। ये थर्ड जो पार्ट है इसका जो मेज़रमेंट है वो है 48 cm by 60 cm और ये सेकेंड पार्ट के साथ सिमिलर है। जो सेकंड वाला पार्ट हम लोग बनाए थे वो था हम लोगों का बेस, और जो थर्ड वाला पार्ट है वो है हम लोगों का रूप जैसे काम करेगा। तो हम लोगों को जो बेस है और रूप है वो दोनों को सेम ही रखना चाहिए। आप जो भी मेजरमेंट का बना रहे हैं आपको वो दो चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे मैं फोर्थ नंबर पार्ट में आ चुकी हूँ और फोर्थ नंबर का जो मेज़रमेंट है वो है 24 cm by 28 cm का। यहाँ पे जो मैं बॉडी यूज़ कर रही हूँ उसका जो ब्रेथ है वो 10 cm का है, तो मैं यहाँ पे जो पहला वाला बेस ली थी उससे 10 cm छोटा रखी हूँ। दोनों साइड से 5-5 cm हम लोग को कम करना है।
वाला स्ट्रिप तो बनाना मैं पहले से ही बता चुकी हूँ। तो हम लोग का नेक्स्ट जो स्टेप है, यहाँ पे मैं 5 सेंटीमीटर वाला एक एक सर्कल को हाफ में कट करके इस तरह से उसको अरेंज करके लगा रही हूँ। जैसे मैं ऊपर वाले पोर्शन में भी कर रही थी, वैसे ही मैं नीचे भी ऐसे 5 सेंटीमीटर वाला सर्कल को दो हिस्सों में काट के ऐसे लगाई हूँ। और ये वाला जो पोर्शन मैं बना रही थी वो बनने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। एंड इसके बाद जब सारा मेरा पार्ट जो कंप्लीट हो गया है, तब मैं इसको खाली रिबन के हेल्प से ही डेकोरेट कर रही हूँ। एंड ये जो पोल्स है, इसको मैं जो कार्डबोर्ड का बनाई थी, एज मेरा जो थर्मोकोल का कलर वाइट है, मुझे रखना था पूरा वाइट कलर, सो मैं उसको पेपर, जो हम लोग का जेरोक्स पेपर आता है A4 साइज पेपर, उसको मैं वहीं पे लगा के उसको वाइट कलर का इफेक्ट दी हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।